क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 3। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मास एंड वेट, या वेट एंड मास। सबसे पहले हम इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ते चलेंगे और साथ साथ में इनके जो हैं सिंबल्स के बारे में। सबसे पहले बात आती है मास के डेफिनेशन की। मास क्या है? मास क्वांटिटी है मैटर की जो इसके अंदर पाया जाता है, पाई जाती है, मिकदार जो इसके अंदर होती है। अगर हम वेट की बात करें तो वेट एक फोर्स है जिसके थ्रू वो जो है बॉडीज़ को अट्रैक्ट करता है ज़मीन की तरफ। ऐसा यूनिट जो है मास का वो किलोग्राम है, और वेट बेसिकली एक फोर्स ही है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन से। मास की सिंबल केजी है, किलोग्राम, केजी से हम शो करते हैं, और न्यूटन की एन है। मास हमारा जगह से जगह चेंज नहीं होता, एक ही रहता है, लेकिन अगर हम बात करें वेट की तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है जिसका मास इधर 10 kg है तो मून पर भी वो 10 kg रहेगा, लेकिन अगर हम मून की बात करें वेट की बात करें मून पे, तो वेट वहाँ पे चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। उसके बाद एक और है चीज़ कि मास इज़ अ स्केलर, मास की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट इज़ अ वेक्टर है, इसको डायरेक्शन होती है। अब बात आती है वेक्टर के बाद, इसके कुछ मैट्रिक्स हैं मास के। टन इज इक्वल टू है 1000 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 million microgram। मेयरिंग द मास, मास को हम कैसे मेयर कर सकते हैं? लेबॉरेटरी में अगर हम बात करते हैं, लेबॉरेटरी के अंदर जो है बीम बैलेंस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ का जो है मास मेयर करने के लिए उसको लेफ्ट पेन जो होता है उसका उस पर रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक उसकी जो स्विंग होती है वो इक्वल ना हो जाए बोथ साइड के, जिस मिकदार में हमें चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम क्या है? अमाउंट है, अमाउंट ऑफ समथिंग टू टेक अप, मतलब कोई चीज़ जितनी जगह घेरे उसको वॉल्यूम कह सकते हैं। इसको हम तकरीबन क्यूबिक मीटर में ही मेयर करते हैं, लेकिन लार्ज यूनिट जो इसके हैं लीटर और मिलीलीटर, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लीटर्स में हमें जो है मिल्क मिलता है, लीटर्स में पेट्रोल मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें लीटर्स में ही मिलती हैं। अगर हम किसी भी मतलब के रेक्टेंगुलर जो शेप है उसको जो है वॉल्यूम मालूम करना हो, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला नीचे है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। इनको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के पास हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम को मेयरिंग कैसे करते हैं? वॉल्यूम को मेयर करने के लिए लिक्विड जो हमारा होता है उसको जब मेयर करते हैं वो लीटर्स में करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू हो जाए 1000 मिलीलीटर्स। सिलेंडर को जब हम मेयर करते हैं, सिलेंडर का काम क्या है? सिलेंडर को हम इसलिए इस्तेमाल भी करते हैं कि इसके अंदर जो है हम मेयर करते हैं, मेयरिंग ऑफ लिक्विड भी होते हैं और पोरिंग भी होती है। पोरिंग से मुराद कि किसी भी दूसरे चीज़ में लिक्विड डालने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर। इसके ऊपर जो है मेयरमेंट दी गई है, जितनी क्वांटिटी में हमें जितनी वॉल्यूम में या क्वांटिटी में हमें लिक्विड चाहिए उतना ही हम इसे ले सकते हैं। फ्लास्क एंड पिपेट डायग्राम दिए गए हैं, ये दोनों जो हैं वॉल्यूम को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बरेट जो हैं हमें जितना रिक्वायर्ड होता है वॉल्यूम उतना हम उसके थ्रू ले सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 50 to 100 मिलीलीटर्स होती है पिपेट की। उसके बाद
रीडिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम जब हम किसी भी लिक्विड का रीड करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जब हम कोई भी चीज़ लें तो उसके जो है बॉटम कर्व शेप्ड हो, जिसको मेंसेस कहते हैं, लेवल उसकी जो कर्व्ड हो बिल्कुल, मतलब कि सीधी। उसके बाद हमें बहुत ख्याल केयरफुली नीचे देखना हो, नीचे देखें ताकि कोई एरर ना आए। एरर आएगी तो हमें एक्यूरेट वॉल्यूम या एक्यूरेट मेयरमेंट हमारी नहीं होगी। पिपेट और बर्रेट जो हैं इनको हम ऊपर रखें, ऊपर करके रखें ताकि हमारी ज़ीरो एरर जो है वो ना आए। अगर एरर आएगी तो हमें जो है एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलेगी, मेयरमेंट हमारी करेक्ट नहीं होगी। सिलेंडर और फ्लास्क को जो है हम किसी हॉरिजॉन्टल बेंच पे रखें या हॉरिजॉन्टल प्लेस पे रखें ताकि वो शेक वगैरह ना हो। अगर शेक होंगे तो हमारी जो है रिज़ल्ट हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी, हमारी मेयरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी। उसके बाद मेयरमेंट मेयरिंग द टाइम, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। जैसा कि मालूम है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में 60 मिनट हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड हैं। ऐसा यूनिट जो टाइम के लिए रखा गया है वो सेकंड है, जिसको हम एस से शो करते हैं। उसके बाद नीचे एक पॉइंट है कि रॉयल ग्रेजुएट ऑब्वियसली लंदन में एक्यूरेट क्वार्ट्स इलेक्ट्रिक क्लॉक इस्तेमाल किया जाता है। उसमें मटेरियल ऐसे, उसमें जो धातु इस्तेमाल किए गए हैं वो प्लेटिनम के हैं। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो है हमें इकोनॉमिकली ऑब्जर्वेशन में हेल्प आउट करता है, एस्ट्रोनॉमिकली हेल्प आउट करता है। जैसे कि बताते हैं कि जैसे कि वेदर कंडीशंस के बारे में मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कंट्रोल किया जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स के थ्रू, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है। इधर जो है हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और हमारा जो है इस चैप्टर के एंड होती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ओके, सो खुदा हाफिज़, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।